बेगम मरने के बाद दो वक्त आने हैं, एक कब्र में पहली शाम और एक कयामत की सुबह। लोग दफना के चले जाएंगे, जिनके लिए हम जिंदगियां गुजार रहे हैं, खानदान के लिए, औलादों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन रूह कफ़स से उन सरी से निकल जाएगी, वो बीवी बच्चे एक शाम भी आपको घर में नहीं रखेंगे। जिनके लिए हम जिंदगी गुजारते हैं, सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिनके लिए, जिनके लिए वरासतें बना रहे हैं, जिनके लिए माल कमाते हैं, पूरा वक्त खपाए जा रहे हैं, जिंदगी बाल सफेद हो गए हैं, जिनके लिए आखिरत भूल गई है और दुनिया में खो गए हैं, वो खानदान ही है ना, औलाद ही है, बीवी बच्चे ही हैं, वरासत ही है। गरीब है या अमीर है, मारा मारा जो फिरता है तो इसलिए फिरता है ना, उसने तो माल साथ नहीं ले जाना। जिस दिन रवाना हो गए, हाथ खाली होंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। उस आखिरत की कमाई के सिवा जो कर ली, बाकी कुछ नहीं जाएगा दुनिया का। और जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पापड़ बेलते हैं, वो एक शाम भी घर में नहीं रहने देंगे। कहेंगे लाश गल रही है, रंग बदल रहा है, बू आ जाएगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, घर से निकाल देंगे। अब कहां गए वो आपके प्यारी औलादें, प्यारे रिश्ते, मोहब्बत का दम भरने वाले, कहां गए? जिंदगी की तरजीहात मुकरर करें नए सिरे से, निकाल देंगे। फिर आपके साथ जाएंगे चारपाई उठाकर, कहां तक? बस मिट्टी के सपुर्द करके आ जाएंगे, कब्र के अंदर कोई नहीं जाएगा। ये एंड है दुनिया की संगतों का, अंदर कोई नहीं जाएगा। दफना के, मिट्टी डाल के, जनाजा पढ़ के तो रोते हुए वापस आ जाएंगे। बस जिनके लिए जिंदगी गुजारी, उनका साथ तो यहां तक था। मरने वाले, अब इसी शाम से तेरी तो कयामत आ गई। इकतरबत अस्साअ, तेरी कयामत, तेरे हिसाब का वक्त आ पहुंचा। बाकियों का आता रहेगा अपने अपने वक्त पर। उस लम्हे हिसाब व किताब की जब इब्तिदा होगी, तो एक तरफ फरिश्ते आएंगे और कोई सामने नहीं आएगा, बस आका अलैहि सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर दिखाई देगा। उन्होंने उम्मत को उस वक्त भी नहीं छोड़ा, उम्मती को उस लम्हे भी नहीं छोड़ा। उसकी शक्ल जो भी होगी दीदार कराने की, जियारत अता करने की जो भी सूरत होगी, वो एक इल्मी बात है, मगर उम्मती को वो एक ही सहारा नजर आएगा। अब सोचें, क्या उनको भी चेहरा दिखाने के काबिल है? बस मुझे तो यही खा दे जा रहा है। लोगों, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा नवर सामने होगा और वो कह देगा, मालूम नहीं ये कौन है। डरो उस लम्हे से कि कहीं जुबान से ये कलिमा ना निकल जाए।
کہ معلوم نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اس تیاری کا وقت ملا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. کم سے کم 70,000 افراد بدلے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. دس ہزار آپ میں سے بدل جائیں, پھر آپ میں سے ہر کوئی ساتھ ساتھ اپنی طرح اور بدل لے. مجھے 70,000 افراد بدلے ہوئے چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کس طرح کے بدلے ہوئے چاہتے ہیں, میں کوئی پیمانہ نہیں دیتا, ایک جملہ بولتا ہوں. اس طرح چاہتا ہوں کہ کوئی ان کو دیکھے, ان کو سنے, ان کے ساتھ بات کرے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ معاملہ کرے, دیکھے تو کہے کہ اللہ والا آ رہا ہے. بس بس یہ پیمانہ دے دیا میں نے کہ کوئی دیکھے تو کہے کہ اہل اللہ, اللہ والا آ رہے ہیں, اللہ والے آ رہے ہیں.